हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश यार और आप देख रहे हैं सीएबी इन्फॉर्मेंट्री। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया कि कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, उस पर आपको किस रेट से टैक्स देना है और क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं। ये भी आपको डिस्कस किया कि कौन कौन सी एसेट्स इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में वेरियस एग्जेम्पशंस भी दी जाती हैं, वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के केस में आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं उन एग्जेम्पशंस के बारे में जो कि आपको मिल सकती है अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अंडर इनकम टैक्स। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको सबसे ज्यादा जो टैक्स हर्ट करता है वो है कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका इस्तेमाल आपने अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किया है, तो घबराइए नहीं दोस्तों। अगर आपने अपनी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है और उस पर आपको बहुत सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या प्रॉफिट हुआ है, तो मैं आपको एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे आपको हो सकता है बिल्कुल भी इनकम टैक्स ना पे करना पड़े। जी हाँ, इनकम टैक्स के अंदर एक वंडरफुल सेक्शन है और वो सेक्शन है सेक्शन 54। अगर आप उसका सहारा लेते हैं तो आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म है उसे भी बचा सकते हैं और उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो भी लीगली। अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर आप HUF यानी के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं और आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होल्ड करके उसको 24 महीने या उसके बाद सेल करते हैं, तो उससे होने वाला प्रॉफिट या गेन पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप सेव कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 54 में आपको बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा किसी और तरह की प्रॉपर्टी को सेल किया है तो वो सेक्शन 54 यानी इस सेक्शन के अंदर कवर नहीं होगी। उसके लिए दूसरे सेक्शन हैं जिन्हें मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है एनी बिल्डिंग, हाउस और अपार्टमेंट जो कि एक रेजिडेंशियल हाउस है और जिसकी इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स होती है इनकम टैक्स के अंदर। तो अगर आप एक रेजिडेंशियल प्लॉट सेल करते हैं तो उस पर इस सेक्शन के अंदर आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को जिसे आपने सेल किया है उसे परचेज की डेट से आपने अपने पास कम से कम 24 मंथ्स जरूर रखा हो और उसी के बाद उसे सेल किया हो, तभी इस सेक्शन का फायदा आपको मिलेगा। इस सेक्शन के अनुसार आपको इस सेक्शन का फायदा लेने के लिए एक और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज करनी है
ये कंस्ट्रक्ट करनी है विद इन द टाइम पीरियड जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये पीरियड है अगर आप उस प्रॉपर्टी को जिसको आपने सेल किया है उसकी सेल की डेट से 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर्स आफ्टर तक आप एक रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में परचेस करते हैं या फिर इस सेल की डेट से 3 साल के अंदर एक रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो आपने जो रेजिडेंशियल हाउस परचेस किया है या कंस्ट्रक्ट किया है और उसकी कॉस्ट कैपिटल गेन के अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा है तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कोई अपना रेजिडेंशियल हाउस ईयर 2021 में सेल किया 24 मंथ्स होल्ड करने के बाद, तो अगर आपने 2020 में भी कोई दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है तो वो एलिजिबल होगा इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन के लिए। इसके अलावा अगर आप ईयर 2023 तक भी कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लेते हैं तो उस पर भी आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप इस सेल की डेट से अगले 3 साल में यानी के ईयर 2024 तक कोई एक रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो भी आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है ये कंस्ट्रक्ट किया है और उसकी कॉस्ट कैपिटल गेन के अमाउंट से कम है तो आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको 2 करोड़ रुपीस से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप सिर्फ एक रेजिडेंशियल हाउस ही परचेज कर सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 54। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज अप टू ₹2 करोड़ तो आपको इनकम टैक्स में यह ऑप्शन दिया है कि आप 2 यानी कि 2 न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक रेजिडेंशियल हाउस की जगह इन प्लेस ऑफ 1 रेजिडेंशियल हाउस। ये 2 रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट या परचेज करने का ऑप्शन अंडर सेक्शन 54 आपको अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर। यहां पर ये बात आपको विशेष ध्यान रखने की है कि सेक्शन 54 के अंदर आपको एग्जेम्पशन 2 यानी कि 2 रेजिडेंशियल हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट करने पर मिलेगी, ना कि रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करने पर। इस सेक्शन 54 की सबसे बड़ी ब्यूटी मैं आपसे शेयर करता हूं वो ये है कि इसमें आपको सिर्फ कैपिटल गेन का अमाउंट ही न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, ना कि फुल सेल प्राइस और कंसीडरेशन, अनलाइक अदर सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स जहां पर कि आपको कंप्लीट और फुल सेल प्राइस को इन्वेस्ट करना पड़ता है कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए, जो कि मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। इसको मैं आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू शेयर करता हूं। सपोज कीजिए आज से 10 ईयर्स बैक आपने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ₹30 लाख में परचेज की थी जो कि आज आप ₹1 करोड़ में सेल करते हैं, तो आपको कैपिटल गेन हुआ
70 लाख रुपीस का। तो इस सेक्शन 54 के अंदर आपको ओनली 70 लाख रुपीस ही इन्वेस्ट करना है न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट करने में, ना कि फुल 1 करोड़ रुपीस इस 70 लाख रुपीस का कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए, और रिमेनिंग रुपीस 30 लाख आप अपने किसी और पर्पस के लिए प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। आपने जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है या कंस्ट्रक्ट किया है, उसको अगर आप उसकी परचेज करने की डेट से या कंस्ट्रक्ट करने की डेट से विद इन 3 इयर्स सेल कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो भी कैपिटल गेन का फायदा मिला था पुरानी रेजिडेंशियल एसेट की सेल करने पर, वो रिवर्स हो जाएगा, और उस केस में जो नई वाली एसेट है उसकी कॉस्ट प्राइस उस अमाउंट से जिसका कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको मिला था, उससे नई वाली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम कर दी जाएगी। यानी कि आपको उस साल में वो कैपिटल गेन जिसका बेनिफिट आपको पहले मिला था उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देने की है कि अगर जिस साल में आपने अपनी पुराने वाली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की है और उस पर आपको जितना भी कैपिटल गेन हुआ है, वो अगर आपने किसी न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेस करने में पुरानी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने के विद इन 1 ईयर नहीं लगा दिया, या उसका इस्तेमाल न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं किया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, यानी के जिस डेट तक आपको समय दिया गया है उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंडर सेक्शन 139 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको वो कैपिटल गेन स्पेसिफाइड बैंक या इंस्टीट्यूशन के पास कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, और उस ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न में आपको उस अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराने का प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। उसी कंडीशन में आपका कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट किया गया अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। जो अमाउंट आपने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा दिया है रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले, उसको डीम कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। तो ये अमाउंट कैपिटल गेन का अगर आप अपनी न्यू रेजिडेंशियल एसेट को परचेज करने में या कंस्ट्रक्ट करने में नहीं लगाते हैं, तो तब तक आपको इस अमाउंट को अपने स्पेशल कैपिटल गेन अकाउंट में रखना पड़ता है अगर आप टैक्स एग्जेम्पशन चाहते हैं। अगर आप अपना ये अमाउंट अपने किसी फिक्स डिपॉजिट में लगा देते हैं या फिर किसी सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, तब उस कंडीशन में आपको ये टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम तकरीबन सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अवेलेबल है और कुछ स्पेसिफाइड प्राइवेट बैंक्स में भी ये अवेलेबल है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने अगर कोई अपनी पुरानी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करी है और उसके बदले में आपने एक या दो, यानी 1 और 2 न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज कर ली है या न्यू हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ली है विद इन द टाइम पीरियड अलाउ, तो आपको उस पुरानी प्रॉपर्टी पर जो कैपिटल गेन हुआ था वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा कैपिटल गेन टैक्स से।
वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर बताइए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने इस YouTube चैनल CABN पोवेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आपके पास आ सकें और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।